नमस्कार, बधिरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। न्यूज फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं सचिन, और खबरों को पेश करेंगी रजनीकांत। इंडियन नेवी की एक टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक हो गई है। ये इंफॉर्मेशन स्कॉर्पिन सबमरीन को लेकर है। इंफॉर्मेशन बहुत सीक्रेट थी। सबमरीन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स के करीब 22,400 पन्ने लीक हो गए हैं, जिस पर रिस्ट्रिक्टेड स्कॉर्पियन इंडिया लिखा हुआ है। इन पन्नों पर सबमरीन के ऑपरेशन सिस्टम की जानकारी है। फ्रांस के रक्षा कॉन्ट्रैक्टर DCNS की तकनीक पर इन सबमरीन्स को तैयार किया जा रहा था। जो डॉक्यूमेंट्स गायब हुए हैं उनमें सबमरीन फ्लीट की डिस्ट्रॉयर कैपेसिटी के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन है। ये सौदा 3.5 अरब अमेरिकी डॉलर का है। मैंने चीफ ऑफ नेवी उनको बोला है कि वो पूरा विश्लेषण करें, उसका क्या लीक हुआ है, हमारे बारे में उसमें क्या है, कितना हद तक उसका अगर है तो लीक बराबर। जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं करते कि इट इज़ रिलेटेड टू अस, द फर्स्ट स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई, द सेकेंड स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई वॉट इज़ द एक्सटेंड ऑफ अनवॉरेंटेड, बट इट्स नॉट ऑल 100% बिकॉज वी डू हैव अवर फाइनल इंटीग्रेशन एंड ऑल दैट। केम टू माई नॉलेज एट अबाउट 12 o'clock yesterday night. What I understand is there is a hacking. So we'll find out all these aspects. कश्मीर में 47 दिनों से जारी तनाव खत्म करने के लिए, शांति की बहाली के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के दौरे पर कश्मीर पहुंच गए हैं। अपने दौरे पर राजनाथ सिंह राज्य के अधिकारियों, सभी पार्टियों के नेताओं और सिविल सोसाइटी से बातचीत कर कश्मीर घाटी में अमन बहाली का रास्ता तलाशने की कोशिश करेंगे। कश्मीर रवाना होने से पहले गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जिनका कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत में यकीन है उनका स्वागत है। राजनाथ के दौरे से ठीक पहले घाटी में 11 साल बाद फिर से BSF की तैनाती की गई है। कल आर्मी चीफ दलबीर सिंह भी कश्मीर घाटी पहुंचे थे, उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सारदा स्कैम में पूछताछ के लिए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम को समन भेजा है। CBI ने नलिनी का नाम सारदा स्कैम की 6वीं चार्जशीट में दर्ज किया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सारदा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के सिलसिले में नलिनी चिदंबरम को पूछताछ के लिए बुलाया है। नलिनी को सितंबर की शुरुआत में कोलकाता में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस में पेश होने को कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी सारदा ग्रुप की तरफ से नलिनी को दी गई फीस के बारे में पूछताछ करेगी। कहा जा रहा है कि सारदा ग्रुप ने नलिनी को फीस के तौर पर 1,26,00,000 रुपए दिए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों को 28 अगस्त तक डेंगू के लार्वा को पूरी तरह से खत्म करने का अल्टीमेटम दिया है। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए एक हाई लेवल मीटिंग हुई है, जिसमें यह फैसला लिया गया। मीटिंग में इस बात का भी फैसला लिया गया है कि केंद्र सरकार दिल्ली में डेंगू की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार और तीनों MCD के साथ मिलकर काम करेगी। साथ ही डेंगू और चिकनगुनिया को रोकने के लिए डॉक्टरों को और अधिक ट्रेनिंग दी जाएगी। दिल्ली में अब तक डेंगू से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी असेंबली का घेराव कर रहे BJP कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने आज जमकर लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दरअसल BJP प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के खराब हालात को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। BJP के इस विरोध प्रदर्शन में BJP के सांसद, विधायक और सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। BJP ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद उन पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। BJP के प्रदर्शन में काफी लंबा जाम लग गया। स्कूल के भारी बैग से तंग आकर महाराष्ट्र के 2 स्टूडेंट्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना दर्द बयान किया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के रहने वाले 7th स्टैंडर्ड के दोनों स्टूडेंट्स ने बताया कि उन्हें
19 कॉपी किताबें स्कूल ले जानी पड़ती हैं। ऐसा ना करने पर टीचर्स पिटाई करते हैं। इसके अलावा बैग में कंपास, बॉक्स, टिफिन, पानी की बोतल भी होती है, इससे बैग का वजन बढ़ जाता है। दोनों छात्रों का कहना है कि अगर उनका बैग हल्का नहीं हुआ तो वो स्कूल के गेट पर हंगर स्ट्राइक करेंगे। कई सर्वे में ये सामने आया है कि भारी बैग के कारण बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। एसओचेम के एक सर्वे के मुताबिक बैग के बोझ से बच्चों की पीठ दर्द जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नोएडा में एक 8 साल की बच्ची को मामूली बात पर महिला टीचर ने छड़ी से खूब पीटा। आरोप है कि टीचर ने बच्ची की पिटाई इसलिए की क्योंकि टेस्ट में उसके कम नंबर आए थे। पीड़ित बच्ची के मुताबिक आरोपी टीचर अक्सर क्लास में बात बात पर बच्चों को पीटती है। पिटाई के दौरान छड़ी बच्चों की आंख के पास जाकर लगी और गंभीर चोट आ गई है। नाराज होकर जब बच्ची के माता पिता थाने में शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे तो पुलिस ने मामूली सी घटना बताकर कार्रवाई से इनकार कर दिया। सिटी मजिस्ट्रेट से शिकायत करने के बाद टीचर और स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए। दिल्ली में स्कूल वैन से 4 साल के बच्चे अविरल के कुचल जाने के बाद स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली में स्कूल वैन से कुचलकर एक बच्चे की मौत के बाद जी न्यूज ने देश भर में रियलिटी चेक किया। कई जगह खुलेआम नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। मुंबई में स्कूल बस में ना तो CCTV थे, ना GPS सिस्टम, ना ही फायर सेफ्टी सिस्टम। तो पटना में स्कूल वैन और ऑटो में बच्चों को ठूस कर बिठाया गया था। आपको बता दें, कल शाम दिल्ली के सिविल लाइन्स में हुए हादसे में 4 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। अविरल को स्कूल वैन ने घर के बाहर छोड़ा था और बैक करते वक्त अविरल वैन के नीचे आ गया था। बहुत जल्द स्कूल की कैंटीन से पिज्जा, बर्गर और चिप्स जैसे जंक फूड बैन हो सकते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI एक नेगेटिव लिस्ट बनाने जा रही है जिसमें मौजूद जंक फूड की बिक्री पर स्कूलों की कैंटीन में बैन लग जाएगा। लिस्ट में खाने पीने की वो चीजें शामिल होंगी जिनमें नमक, चीनी, फैट की मात्रा ज्यादा होती है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है कि इस लिस्ट में वे फूड आइटम्स होंगी जिनको खाने से सेहत पर खराब असर पड़ता है। डायबिटीज और मोटापे के चंगुल में फंसते बच्चों और युवाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। गुजरात के जूनागढ़ में पत्रकार की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को जूनागढ़ से जबकि 1 आरोपी गुजरात के मोरबी से पकड़ा है। आपको बता दें, जूनागढ़ में 2 दिन पहले एक जर्नलिस्ट की बदमाशों ने हत्या कर दी थी। जर्नलिस्ट किशोर दवे जय हिंद अखबार नाम के न्यूज़पेपर में काम करते थे। बदमाशों ने किशोर के ऑफिस में घुसकर धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी थी। जर्नलिस्ट के परिवार ने हत्या के पीछे एक सीनियर बीजेपी लीडर के बेटे का हाथ होने का शक जताया था। यूपी ATS और राजस्थान CID के ज्वाइंट ऑपरेशन से लखनऊ से गिरफ्तार किए गए ISI एजेंट जमालुद्दीन को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस जमालुद्दीन को रिमांड में लेने के लिए कोर्ट में अर्जी देगी। पुलिस के अधिकारी इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। ATS, राजस्थान CID और दूसरी एजेंसियां जमालुद्दीन से पूछताछ कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में पता चला है कि जमालुद्दीन ISI के इशारे पर काम करने वाले दूसरे एजेंट्स को पैसा पहुंचाता था। जमालुद्दीन को पैसा UAE से आता था। रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली रेसलर साक्षी मलिक का भारत लौटने पर जोरदार स्वागत किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर साक्षी का ढोल नगाड़ों और तिरंगा लहराकर स्वागत किया गया। हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज समेत कई मंत्री वहां मौजूद थे। हरियाणा पहुंचने पर बहादुरगढ़ में साक्षी मलिक को सम्मानित किया गया। हरियाणा सरकार ने साक्षी को 2.5 करोड़ का चेक दिया। मनोहर लाल सरकार ने साक्षी को हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऐलान किया। महाराष्ट्र के नासिक में जब किसान प्याज बेचने के लिए गया तो उसे 1 किलो प्याज की कीमत मिली 5 पैसे।
सुधाकर दराडे नाम के किसान ने इस कीमत के बाद प्याज बेचने की जगह अपना सारा प्याज खेत में लाकर फेंक दिया। महाराष्ट्र का नासिक जिला प्याज की फसल के लिए जाना जाता है। इस बार रिटेल में प्याज न बिकने के कारण मंडी में कई दिनों तक बंद रहे। इसके कारण किसान प्याज नहीं बेच पाए थे। अब बारिश के चलते प्याज सड़ने लगा तो किसानों के पास कम दाम में प्याज बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं था।